मेरा शहर, मेरी कहानी, मेरा घर। 120, 150, 200, 240 और 400 मरबा गज के रिहायशी प्लॉट्स, अजरकों के शहर में अपना घर बनाएं। टाउन वन के साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर जनाब एस एम महबूब आलम ने हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और चैम्बर्स के अरकान और ताजरों से इनका कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में बरादराना ताल्लुकात रखते हैं और ये उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो हैदराबाद की ताजर बिरादरी से खिताब कर रहे हैं और तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। We have a lot of areas to work together. We can explore our potential and we can work together for our stronger and better relations in the days to come, inshallah. And I also invited a delegation from Hyderabad Chamber of Commerce to Bangladesh, also to our programs in Karachi. We would like to be in touch with them so that we can discuss again and again on our issues. बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का इस्तकबाल हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के सदर जनाब फारूक शेखानी ने किया और इनकी आमद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि वो बांग्लादेश के मुआशी और सियासी पॉलिसी की कदर करते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी चीज़ को फॉलो करें, जिस तरीके से उन्होंने 33,000 एकड़ पर एक इंडस्ट्रियल जोन जो बना रहे हैं, तो उसको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% का लिटरेसी रेट है और ये 60-70% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल जो इनकी कंपनीज हैं उसके 92% खपत उनके मुल्क में ही है, तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते। चैम्बर्स के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल फारूकी, साबिक वाइस चेयरमैन आबाद कमर मेमन, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान उस्मान मेमन, काशिफ शेख, फरहान इकबाल और कन्वीनर सफारती उमूर सब कमेटी मोहम्मद नासिर व दीगर ने डिप्टी हाई कमिश्नर से कई सवालात किए। इस मौके पर साबिक सुदूर दौलत राम लोहाना, सलीमुद्दीन कुरेशी, अकरम अंसारी, इवेंट मैनेजमेंट सब कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद यासीन खिलजी, सिकंदर अली राजपूत, मोहम्मद इदरीस मेमन, किशोर कुमार भाटिया, असलम भवानी, शेख गुलाम रसूल, सैयद फराज अली शाह, उमर फारूक शेखानी व दीगर मौजूद थे। कैमरामैन फहीम लोधी के साथ आमिर राव, हैदराबाद टाइम्स।